आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ आज श्री गौतमेश्वर महादेव, जो कि रतलाम से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने नदी पार करके जाना पड़ता है श्री गौतमेश्वर महादेव। तो फाइनली गाइस हम नदी तक आ चुके हैं, इसको जामण नदी बोलते हैं। और पानी का खूबसूरत नज़ारा, स्टॉप डैम देखिए, प्राकृतिक वातावरण काफ़ी देखने लायक। छोटे छोटे झरने गिर रहे हैं, झरना दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली गाइस हम इधर आ चुके हैं रपट पार करके। और आप कभी आए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी काई रहती है, इसलिए पैर अपना संभाल के रखें। और लेफ्ट हैंड साइड गहरा है, इस तरफ कम गहरा है। यहाँ पर चलने की जगह काफ़ी कम है, घाटियाँ गहरी है, थोड़ा संभल कर चलें, बरसात में विशेष तौर से ध्यान रखें। पानी गिर रहा है अभी रिमझिम रिमझिम। ये झरना पार करके हमें उस तरफ जाना है। प्यारा मौसम है, चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई है। अभी आप जो झरना देख रहे हैं, ये झरना गौतमेश्वर गुफेश्वर महादेव के पीछे जो तालाब है वहाँ का पानी है ये। और देखिए पानी कितना साफ सुथरा पानी। फाइनली हम नीचे की घाटियां झरने पार करते हुए अब आ चुके हैं गुफेश्वर महादेव। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा पीछे मंदिर। चलिए चलते हैं, इधर से आना। ऊंची नीची पगडंडियां पार करते हुए यहाँ पर बगीचा भी बहुत प्यारा बना रखा है। यहाँ तक आते आते सांस फूल गई है दोस्तों। और सामने गेट दिख रहा है आपको। घास की ऊंचाई लगभग 2 फीट। यहाँ बारिश के मौसम में काफी सुहाना लगता है मौसम, हरियाली काफी अच्छी है। गर्मी में यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, घास क्योंकि पथरीला इलाका है इसलिए घास पूरी गायब हो जाती है। और नदी भी जो है नीचे जामण नदी, वो बरसाती नदी है, बारिश में ही उसमें पानी रहता है। लीजिए हम आ गए हैं गुफेश्वर महादेव तक। और यहाँ पर ठीक पीछे तालाब है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये पहाड़ियों के अंदर एक छोटी सी गुफा है जिसमें ऊपर से रिस रिस कर पानी गिरता रहता है। पानी एकदम कांच जैसा दिख रहा है, इसमें मछलियां भी है। और आगे जो गेट दिख रहा है, गेट के वहां पर गुफेश्वर महादेव। गजानन जी महाराज और गुफा के अंदर शिव। यहाँ पर झुककर जाना पड़ता है दोस्तों, नीचे पानी भरा हुआ है, पानी दिख रहा होगा आपको। और महादेव काफी अंदर बैठे हुए हैं, आपको रेंग कर जाना पड़ता है। ऊपर आप देख सकते हैं पहाड़ है,
श्रावण मास में आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन हमारी ओर से। अब चलते हैं गाइस ऊपर तालाब की ओर। हम इतना नीचे से चढ़ के आ चुके हैं, मेरा असिस्टेंट कैमरामैन पीछे रह गए हैं। चलो प्रभु जल्दी आओ।